गुड मॉर्निंग एवरीवन, निंजा मैथ्स क्लासेस आपका वेलकम करता है। और आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 7, 8, 9, 10 एंड 11। और इसके पहले वाले क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 2, 3, 4, 5 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आते आइए देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय सेव। देखिए इसमें करते क्या है कि कोई भी हम नंबर लेते हैं 3, 2, 5, 6 और क्या करते हैं इस वंस वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी जो बचा उसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं। तो हो जाएगा 3, 2, 5 माइनस 2। ठीक है, थ्री अब तो हो गया कितना 3, 1, 3। ठीक है, तो अब अगर ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है तो ये जो ये नंबर वो आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 फोर जा 28, फिर क्या हो गया आपका 7 फोर जा 28। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका बच गया 5। मतलब क्या कि जो ये नंबर है वो आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका रूल क्या था कि जो वन प्लेस वाला डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और बाकी जो नंबर है उसमें से उस प्रोडक्ट को माइनस कर लेना है। जो डिफरेंस आएगा अगर ये आपका 7 से डिविजिबल है तो फिर क्या होगा, ये जो 7 है वो क्या होगा इसको डिवाइड कर देगा। अगर डिफरेंस आपका 7 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, 7 जो है ये इस नंबर को, ठीक है, या फिर जो ओरिजिनल नंबर होगा उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये तो हो गई 7 की बात। अब आते हैं 8 की बात। ठीक है, 8 से क्या होती है डिविजिबिलिटी टेस्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए देखते हैं हम किससे, 8 से। 8 से क्या कि कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं 4, 3, 9, 2। अब यहाँ पे हम क्या करते लेते हैं 8, 2, 4। फिर और लेते हैं हम 7, 9, 1, 2, 3। इसका ये रूल है कि 1, 10 और 100 प्लेस पे 8 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 3 जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है तीनों ये क्या है आपका 8 का मल्टीपल है, सो 8 कैन इजिली डिवाइड दिस नंबर। एंड हियर एडवांस टेंस एंड हंड्रेड तीनों प्लेस पे क्या है जीरो है, तो इसीलिए ये क्या करेगा इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं डिवाइड करके 4, 3, 9, 8, 2, 4 कितने से 8 से। ठीक है, 8 5 जा 40, 3 9 अब हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 क्या बचा 7 8। ठीक है, अब हो जाएगा 8 9 जा 72, अब बच के रिमाइंडर है 6, अभी है 2, तो 8 से मैंने कितना आएगा 56, रिमाइंडर क्या हो गया 6, ये हो गया 4, तो 8 8 जा 64। तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जो 8 है वो इस नंबर को डिवाइड कर देगा। अब इस भाई साहब को देखते हैं जो चुपचाप खड़े हैं, ठीक है, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई 8 हमको कब डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 8 9 जा 72 7 0 हो जाएगा आपका 8 8 जा 64 है कितना 6 और ये 0 आ गया यहाँ पर 8 7 जा 56 ये हो गया आपका 4 0 8 5 जा 40। तो यहाँ पे 8 क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया, तो
इसका टेंस का डिविजिबिलिटी आप तो समझ ही गए होंगे क्या है कि वन टेन या हंड्रेड प्लेस पे क्या होना चाहिए, एट का मल्टीपल होना चाहिए या फिर उस प्लेस पे कितने क्या होना चाहिए, थ्री जीरो। तो उस केस में वन नंबर आपका एट से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आते हैं नाइन से क्या होता है। आपने पढ़ा ही होगा ना थ्री से क्या होता है कि किसी भी नंबर के डिजिट को ऐड करेंगे। ठीक है, जब वो सम क्या होगा थ्री से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। वही है आपका नाइन का भी। ठीक है, तो हम कोई नंबर लेते हैं टू सिक्स फाइव नाइन, ठीक है नाइन नहीं आपको सेवन लेते हैं। ठीक है, अब ऐड करते हैं इसको टू प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस सेवन, तो कितना हो गया टू प्लस सिक्स एट, एट प्लस थर्टीन, थर्टीन प्लस सेवन कितना हो गया ट्वेंटी। तो ट्वेंटी नाइन से डिविजिबल नहीं, इसीलिए जो ये नंबर हो क्या है नाइन से डिविजिबल नहीं। अब ले टू फोर फाइव सेवन, टू कितना हो गया सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस एटीन, अंत में जो ये जो सम हो क्या है नाइन का मल्टी, इसीलिए क्या है ये जो नंबर होगा वो क्या होगा नाइन से डिविजिबल होगा। इसको हम रियली को डिवाइड करके दिखाते भी हैं, पहले हम इसको दिखाते हैं। ये आपका क्या है इसके डिजिट का सम 20 है, तो ये क्या है नाइन से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर आपका क्या है नाइन से डिविजिबल नहीं है। तो इसको करके देखते हैं टू सिक्स फाइव सेवन, नाइन टू जो थर्टीन एट फाइव कितना आएगा, फिर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हम यहाँ से बताए रहे थे ना। अब आइए यहाँ पे आते, अभी ये जो सम है वो क्या है 9 का मल्टीपल है, मतलब क्या कि ये जो नंबर वो आपका नाइन से डिविजिबल होना चाहिए। टू फोर फाइव सेवन, नाइन वन नाइन सॉरी नाइन टू जो थर्टीन, फिर क्या हो जाएगा नाइन सेवन जो सिक्सटी थ्री, टू सेवन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन। तो यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर जो रह रहा है, तो इसलिए क्या ये नंबर आपका नाइन से डिविजिबल। अब आते हैं टेन, टेन बेन टेन है ना। तो टेन में क्या होता है, टेन में ये है कि जो वन प्लेस पे कम से कम वन प्लेस पे जीरो होना चाहिए, टेन प्लेस पे हो सकता है लेकिन सारे प्लेस पे नहीं होगा। अगर सारे प्लेस पे होगा तो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो टेन से क्या है कि हम किसके बात कर रहे हैं इसमें, टेन से टेन का डिविजिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि कोई भी नंबर है सेवन टू फाइव वन, तो अगर वन प्लेस पे क्या है जीरो है तो वो क्या होगा टेन का मल्टीपल होगा। क्योंकि इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते ना, तो भाई इसमें ऑलरेडी टेन है ही, तो ये टेन तो इसको डिवाइड कर ही देगा ना। तो इसीलिए क्या है कि कोई भी नंबर जिसके वन प्लेस पे जीरो हो, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, या तो वन प्लेस पे जीरो या फिर क्या हो सारे प्लेस पे जीरो, लेकिन सबसे जो लेफ्ट में जो डिजिट है उसको छोड़ के, तो फिर क्या हो जाएगा वो टेन से मल्टीपल या टेन से डिवाइड हो जाएगा। अब है आपका क्या एलेवन से, ठीक है इसका थोड़ा यूनिक है डिविजिबिलिटी रूल बाई क्या 11। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बच्चे क्या करते हैं इवन प्लेस की जगह पे इवन नंबर को ही ऐड और माइनस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास थ्री टू वन फाइव ये नंबर है, एक और लेते हैं। ठीक है, ये एक और लेते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, इवन प्लेस और ऑड प्लेस पता करना है। तो उसके पहले हमको इवन नंबर जानना चाहिए, इवन नंबर क्या होगा जो टू का मल्टीपल होगा या फिर जो टू के टेबल में
आएगा और नंबर क्या होगा जो टू के टेबल में नहीं आएगा। देखो देखिए इसमें पहले टू के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है, टू फोर सिक्स एट। लेकिन हम नंबर की बात नहीं कर रहे, हम प्लेस की बात कर रहे हैं, इवन प्लेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये फर्स्ट पोजिशन, इसका सेकेंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फिफ्थ, इसका सिक्स। देखिए तो वन थर्ड और फिफ्थ, तो फर्स्ट पे क्या है फोर और यहाँ पे थर्ड पे क्या है टू और फिफ्थ पे क्या है फाइव। इसको ऐड करते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अब सेकेंड फोर्थ और सिक्स वाले को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा टेन। अब दोनों का डिफरेंस देखिए वन है जो कि आपका इलेवन का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर है वो क्या है आपका इलेवन से डिविजिबल नहीं है। लेकिन वही अगर यहाँ पर डिफरेंस इलेवन आता या फिर इलेवन का मल्टीपल या फिर जीरो आता तो क्या होता, वो नंबर इलेवन से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या कंडीशन देखते हैं जिसमें डिफरेंस क्या है इलेवन आता है। ठीक है, तो नंबर को हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस हमको क्या लाना है, इलेवन लाना है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर है एट नाइन, कितना हो गया सेवेंटीन, और ये भाई साहब हो गया कितना 22, और ये हो गया फाइव और ये हो गया सिक्स। तो देखिए फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, एट प्लस नाइन प्लस फाइव कितना हो गया 22। अब ये सेकेंड और फोर्थ, फाइव प्लस सिक्स कितना हो गया 11, डिफरेंस कितना है 11। मतलब ये जो नंबर है वो क्या है 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ये क्या है 11 का, अब इसको डिवाइड करके भी लिखते हैं, एट फाइव नाइन सिक्स फाइव कितने से 11 से, 11 सेवन जा, ठीक है, एट नाइन इलेवन, एट जा वन सिक्स इलेवन, फाइव जा सॉरी इलेवन वन जा इलेवन, फिर यहाँ पे आ गया फाइव, तो इलेवन हो गया। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, इलेवन या फिर इलेवन का मल्टीपल होना चाहिए, फिर जब जीरो होगा तो वो नंबर इलेवन से डिवाइड हो जाएगा। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं इलेवन तक ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है और उसका हमको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे हम लेते हैं किसी नंबर को, जैसे 24 को लेते हैं, किसको लेते हैं 24 को। ठीक है, अब 24 को लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये कौन सा तरीका, ये क्या है कि एट और थ्री को हम क्या करके को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब को प्राइम नंबर क्या होता है कि जब दो नंबर का एलसीएफ वन है तो वो नंबर क्या होगा आपका को प्राइम। तो एट और थ्री का एलसीएफ कितना होगा वन, इसलिए क्या होगा ये को प्राइम हो गया दोनों। तो जब किसी भी नंबर को अगर हम को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो नंबर अगर किसी और को डिवाइड कर रहा है, दोनों नंबर को क्या करे डिवाइड करे, तो जो 24 है ना वो क्या करेगा उस नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे हम कोई नंबर चूज करते हैं 96, ठीक है, इसको 8 डिवाइड करेगा 12 टर्म्स में और 3 डिवाइड करेगा 32 टर्म्स में, तो दोनों नंबर कर रहा है ना, मतलब जो 24 है वो क्या कर देगा 96 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आज का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आपका एंड हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट वन में, और सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन कर दिया पार्ट सेकेंड में। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है देन निंजा वेलकम्स यू इन इट्स कमेंट सेक्शन फॉर योर डाउट। ओके बाय, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।